हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शाहरुख और आप देख रहे हैं लव बर्ड्स ब्रीडिंग। दोस्तों आज जो है मैं आपको वीडियो बनाकर दे रहा हूं जिसमें मैं अपने कॉकाटेल की मटकियां हैंग करूंगा। और अभी जो चार पेयर मेरे पास हैं, चारों पेयर मैंने वाइट फेस के साथ एल्बिनो लगाए हैं। मैंने एक भी एल्बिनो टू एल्बिनो पेयर नहीं करा। उसका रीज़न ये है कि जब मैंने पेयर लगाया था तो उसमें मोर्टेलिटी ज़्यादा आती है, और आप अगर ब्लैक आई से रेड आई लगाते हैं तो उसमें आपका चिक्स का रेशियो भी अच्छा आएगा और कलर म्यूटेशन आपके पास वैरायटी अच्छी आएंगी। तो मैंने सारे पेयर इसी तरीके से लगा रखे हैं जिसमें आपको पाइड और पर्ल के साथ एल्बिनो मिलेगा, जिसकी वजह से मुझे इस सीज़न जो है ज़्यादा चिक्स देखने को मिल सकते हैं। तो आप भी अगर देखना चाहते हैं तो मेरे साथ चैनल पर जुड़े रहिए। और अभी जैसे कि बारिशें बंद हैं और ह्यूमिडिटी भी अभी कंट्रोल है, जिससे मौसम ठीक है। और कॉकाटेल को मैंने देखा कि वो मेटिंग भी कर रहे थे, मतलब हेल्थ भी उनकी अच्छी है इस टाइम पे। तो अभी एकदम से फुल्ली रेडी हैं वो ब्रीड के लिए, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज इनको मटकी लगा देता हूँ। तो इंशाल्लाह जो है रिजल्ट मुझे मिलेगा, जैसा भी रिजल्ट मिलता है आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। तो चलिए अब इस मटकी को लेट नहीं करते हैं। मैंने जो छीलन होती है वुड शेविंग वो भी ले आया हूँ मैं, और इसी को मैं नीचे बिछा के अच्छे से नेस्टिंग करके तब मैं मटकी लगाऊंगा। तो चलिए अब चलते हैं सेटअप में इन मटकियों को लेके, फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी हम मटकी अंदर ले आए हैं और ये ढक्कन वगैरह भी इसमें लग जाएगा आसानी से। और ये मटकी जो है हम केज के बाहर से लगाएंगे, अंदर से नहीं लगाएंगे। तो उसके लिए हमने एक तार यहाँ नीचे से निकाला है और एक ये ऊपर बांधा है। तो अभी किस तरीके से हम लगाएंगे वो आपको दिखाएंगे। और बाहर से लगने में आसानी ये रहती है कि बर्ड को जब भी मटकी आप चिक्स या अंडे चेक करेंगे तो बर्ड डिस्टर्ब नहीं होती है इसमें। तो उसके लिए हम ये आप देख सकते हैं टेक एंड फ्ली कंट्रोल के लिए है ये, और नॉर्मली कैट और डॉग में यूज़ होती है। और ये पाउडर हम नेस्टिंग के नीचे भी कर सकते हैं। तो ये जो है MRP इसकी 200 रुपये की है, 150 ग्राम का पाउडर, अच्छा खासा चल जाता है। और वुड शेविंग भी हम ले आए थे। हमको करना क्या है कि ये वुड शेविंग से पहले ये पाउडर को इस तरीके से अच्छे से दबा के इसमें आप देख सकते हैं पाउडर नीचे हो गया है, और थोड़ा सा हम इस तरफ भी कर देंगे। और इसी तरीके से इसमें भी दोनों मटकियों में आप जब भी नेस्टिंग यूज करें, चाहे लवबर्ड की करें चाहे कॉकाटेल ही करें, तो आप ये पाउडर यूज कर सकते हैं, जिससे आपके जब चिक्स निकलेंगे तो कीड़े वगैरह उसमें नेस्टिंग में ना हो। तो इसको भी हम इस तरीके से डाल देंगे इसमें। और डाल के थोड़ा सा हाथ से बराबर फैला दें। और ये आप देख सकते हैं नेस्टिंग इसी कंप्लीट हो गई। अब ये मटकी जो है वो टांगने के लिए रेडी है, और ये ढक्कन भी इसके ऊपर ढक जाएगा। जब हमें चेक करना होगा ढक्कन उठा के इजीली हम चेक कर लेंगे। तो इसमें भी हमने नेस्टिंग डाल ली अच्छी खासी। अब चलिए इसको हैंग करके दिखाते हैं आपको कैसे इसको हैंग करना है। तो ये आप देख सकते हैं जाली पहले से एक कट है यहाँ से, और सिंपली इसको मुझे इस तरीके से मोड़ देना है ताकि इसी पे से बर्ड जो है वो मटकी के अंदर आके बैठेगा। और यहाँ से हम ये ट्रे अभी निकालेंगे और ये तार जो है इसको मोड़ के हुक बना के जाली जो नीचे दिख रही है इसी जाली में फंसाएंगे ताकि मटकी जो है गिरे नहीं। और नीचे वाले जो दो तार हैं ये इसको हम यहीं पे खींच के एक इधर फंसा देंगे ताकि ये मटकी एकदम फिक्स हो जाए। चलिए इसको लगा लेते हैं पहले, क्योंकि मैं सिंगल ही खुद से वीडियो बना रहा हूँ तो मुश्किल हो जाएगा। लगा के मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं एकदम आसानी से जो है मटकी हैंग हो गई। और ये जो हुक से इस तरफ देखिए जाली पे यहाँ फंसाया है, और ये दोनों हुक जो है अंदर इसके ट्रे के अंदर से जाली से फंसा दिए हैं, और एक हुक जो है इस तरह से फंसा दिया। अब जो है मटकी ये बिल्कुल भी नहीं गिरेगी नीचे, आप देख सकते हैं थोड़ा सा इधर उधर ये हल्की सा हिल रहा है जब मैं हाथ से कर रहा हूँ, बाकी एकदम रहेगी। और मटकी मैंने ये भी लगा रखी है, देख सकते हैं इसको भी सेम उसी तरीके से लगी है, ऊपर से ये हुक से फंसी है और ये साइड से भी लगी है। तो ये मटकी लग गई, बाकी नीचे वाले को डिस्टर्बेंस होता है बाहर से मटकी लगाने में, इसलिए इस पेयर को मैंने अंदर से ही लगा दिया है। अब ये मेरे पेयर जो एकदम रेडी हैं ब्रीड के लिए, हैवी पाइट का मेल है इसमें, एल्बिनो फीमेल है। इस वाले पर्ल का मेल है वाइट फेस और एल्बिनो फीमेल है।
और नीचे वाले पेयर में जो है पर्ल की फीमेल है, एल्बिनो का मेल है, और एक मटकी जो है यहाँ लगाने को रह गई, इसमें पर्ल की फीमेल है पर्ल पाइड में और एल्बिनो मेल है, तो ये चार पेयर रहेंगे, एक मटकी जो है उधर रह गई है, इसको भी मैं हैंग कर देता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों चारों ही मटकियाँ जो हैं वो हैंग हो गई हैं, अब इसको मुझे चेक करना होगा, तो आसानी से मैं ये बस ढक्कन उठा के ऐसे बाहर से ही मैं चेक कर सकता हूँ, बार बार मुझे केस के अंदर हाथ डाल के बर्ड को डिस्टर्ब नहीं करना पड़ेगा, और देखते हैं इंशाल्लाह कब तक ये लोग सेट होते हैं ब्रीडिंग के लिए। आज 16 तारीख है, तो 16 तारीख को मैंने मटकी हैंग करी है, अब ये कितने दिन बाद एग ले करना स्टार्ट करेंगे वो भी आपके साथ अपडेट करते रहेंगे। तो आपको कैसी लगी आज की ये मटकी जो मैंने बाहर से टांगी है, तो ज़रूर बताइएगा, और भी ऐसी वीडियोस आपको इन्फॉर्मेटिव चाहिए हो तो उसके लिए भी आप मुझसे बोलते रहिए कमेंट बॉक्स में, मैं इंशाल्लाह आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा, और अब इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर वीडियोस आपके लिए लाता रहूँ। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह, जब बजीज की हम नेस्ट वगैरह लगाएंगे तो उसके ऊपर वीडियो बना के डालेंगे। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।